एज इट इज जैसा ये रैप्सोल एडिशन है वैसा ही होगा। ये सामने वाला वाइजर, ये मडगार्ड ये सब ब्लैक होगा, ये साइड पैनल और ये भी फ्रंट वाला साइड पैनल। तो थैंक्स टू मनोज कि मेरे को स्कूटी उसने यहाँ पर ला भी दिया और स्कूटी भी साथ में लेके आया। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू मेरे भाई। कहने दिया था वो ही। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चाय पियेंगे हम तो, चाय पियेंगे। बीड़ी? सो गाइस फाइनली अपना जो रैप्सोल का जो कलर सैंपल है वो आ गया है और ये लेके जाऊंगा अभी मैं जहाँ पर मैं रन करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये थोड़ा डार्क लगा। आप फोटो में देख सकते हैं दो रैप्सोल यहाँ पर खड़ा है, एक रैप्सोल थोड़ा डार्क है एक थोड़ा लाइट है। और मैंने सोचा मैं दोस्त के पास भी मनोज के पास भी एक रैप्सोल एडिशन स्कूटी है और मैंने सोचा कि वही स्कूटी अगर ले जाके वहाँ दिखाए तो अच्छा होगा क्योंकि वो कंपनी कलर है। और गाइस मेरा ये अमेजोन का जो कार्बन फाइबर रैप वो भी आ गया है और ये भी रैप करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? खूब आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं जा रहा हूँ मनोज के पास, स्कूटी लेके जाएंगे हम लोग जहाँ पर रन कर रहा है वहाँ पर। गाइस ये वीडियो है रैप्सोल प्रोजेक्ट का सेकेंड वीडियो। सो ये वीडियो ऐसे चलता रहेगा जब तक कम्प्लीट मेरा बाइक रैप्सोल बन नहीं जाता। सो गाइस चलते अभी मनोज के घर की तरफ। सो गाइस अब जस्ट मैं पहुंच गया मनोज के घर पर और ये मेरा दोस्त मनोज। हेलो। जो ये एडिशन है ना देख सकते हैं एलोविन वगैरह, ये फुल्ली रैप्सोल है। और मनोज मेरा सैंपल है ये वाला है तो थोड़ा सा ये डार्क है मेरे को। चलिए चलते हैं वहाँ पर दुकान पे और देखते हैं वहाँ पर क्या रहता है, वो लोग क्या बोलते हैं। तो ये का ये स्कूटी भी काफ़ी सही लगता है, देख सकते पूरा रैप्सोल एडिशन है। तो क्या चलते भाई वहाँ पर? तो मन सुन मैं एक पाँच मिनट है। सो गाइस अभी मेरा जो गोप्रो है मतलब रात को जो चार्ज करना भूल गया था सो अभी इसको भी चार्ज में डाला है। सो गाइस टैंक वगैरह अभी पुट्टी वुट्टी लगा के एकदम ऑल सेट है और एलो व्हील यहाँ पर है देख सकते हैं। और ये सामने वाला वाइजर, ये मडगार्ड ये सब ब्लैक होगा, ये साइड पैनल और ये भी फ्रंट वाला साइड पैनल, ये सब अभी रेडी है। जस्ट हम कलर चूज हम लोग ने कर लिया। सो अभी ये वाला पार्ट सब ऑरेंज होगा, ये वाला सब ब्लैक होगा गाइस। सो गाइस अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा और कलर चूज हो गया है और भाई और जितना भी काम है भाई कर रहा है कलर का, तो आप लोग भी यहाँ पर आके कर सकते हैं काम। यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है कि मतलब एक अलग से रूम है यहाँ पर। बाहर में करने से क्या होता है कि धूल मिट्टी वगैरह जा सकता है, लेकिन यहाँ अलग से एक रूम है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलर होगा और फिनिशिंग भी काफ़ी सही आएगा। मतलब भाई ने कुछ कुछ जगह में जहाँ पर यहाँ पर क्रैक वगैरह था वो भी सही कर दिया। तो आप भी जब यहाँ पर आएंगे कलर करने के लिए तो कर सकते हैं। इसका एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह मैं सब डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा तो आप चेक कर सकते हैं गाइस। सो यही है एज इट इज़ जैसा ये रैप्सोल एडिशन है वैसा ही होगा। सो थैंक्स टू मनोज कि मेरे को स्कूटी उसने यहाँ पर ला भी दिया और स्कूटी भी साथ में लेके आया। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू मेरे भाई। सो अभी हम लोग गाइस यहाँ से निकलना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा गैरेज में, वहाँ से कुछ कुछ एक छोटा मोटा जो साइड पैनल है वो लेना पड़ेगा, वहाँ पर ये रैप होगा कार्बन फाइबर। मंडे ट्यूजडे समय लो। थैंक यू भाई थोड़ा टिकी। तो अभी निकलते हैं, अभी जाना पड़ेगा गैरेज, वहाँ पर साइड पैनल कुछ पड़ा हुआ है उसमें चढ़ेगा ये कार्बन फाइबर और भी कुछ काम है। और एक बार शिव मंदिर जाके वहाँ भैया से भी एक बार मिलना है और उसको भी बोलना कि मैंने मतलब कलर चूज कर लिया और उसी हिसाब से वो डेकल रेडी करेगा। सो काफ़ी झमेला है गाइस क्या करेगा। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग गैरेज पहुँचे और ये देख सकते हैं ये मडगार्ड है और ये चेन कवर मडगार्ड और इसमें मैं करूँगा कार्बन फाइबर इसीलिए इसको ले जा रहा हूँ। और टायर में मैं यहाँ पेंट करूँगा तो दो टायर भी ले जाना पड़ेगा। नहीं।
तो बंधु को आज हड़बड़ी है, घर में कुछ काम है बोल रहा था, आज गैरेज क्लोज करेगा। मेरे चलते वो उसको फ़ोन किया था, वो बेचारा आ गया था गैरेज खोलने के लिए। तो कहते निकलते हैं सीधा मिलते हैं जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क, जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क किया हुआ सीधा वहीं मिलते हैं, चलते गाइस। तो मनवा इधर है, मनोज ने आज काफ़ी हेल्प किया। मतलब ये स्कूटी क्यों ले गया, मतलब ये जो इसका जो रैप्सोल एडिशन कलर है ये मतलब कंपनी का है, मतलब होंडा जो कंपनी है उस कंपनी से रैप्सोल एडिशन आया होता है। तो ये जो ये ऑरेंज है ये कंपनी कलर है, तो सैंपल के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए जो इसमें है उसमें भी वही रहेगा। और ये जो कलर है थोड़ा डार्क है, देख सकते हैं ये थोड़ा रेड टोन थोड़ा ज़्यादा है इसमें, और वो काफ़ी लाइट टोन है तो अभी सही लगता है। बोलो हाय, बोलो हाय, डांस करके दिखा दो, थोड़ा डांस करो तो देखिए, डांस करके दिखा दो थोड़ा। चाय पियेंगे हम तो, चाय पियेंगे बीड़ी दूध पियेंगे। सो गाइस ना ये सब बचपन नहीं सही रहता है यार, बड़ा होने के बाद बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या बोलेगा, मतलब ये समय सबसे बेस्ट है ना बबुआ। बबुआ गए मनोज बोला भाई वीडियो पीछे ला। सो गाइस अभी निकलना पड़ेगा और जाके कुछ काम है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टायर वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल रखा है, और ये चेन कवर और मड गार्ड साथ में है, तो इसको चलेगा कार्बन फाइबर रैप। सो भी निकलना पड़ेगा इस यहाँ पर है ये कार्बन फाइबर रैप। बोला मनोज, और फाइनली वो जो कलर का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, और लकीली मेरे दोस्त के पास भी एक रैप्सोल एडिशन स्कूटी है होंडा का, तो वो ले जाके मैंने सैंपल मिलाया और एग्जैक्टली वैसे ही बना देगा अब। और बात रही डैकल की, भैया बोल रहा था कि जो सैंपल मेरे को भैया ने दिया था वो ही। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। और रही बात टैकल की, तो फिर मैंने भैया को बोल के रखा हूँ जितना हो सके वही जो मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया है जो स्कूटी में कलर था मेरे दोस्त का, वही टैकल में भी बनाने के लिए बोला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और गाइस ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, ये क्राफ्टल प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रैप्सोल प्रोजेक्ट वीडियो पर, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ गाइस।